तो ये बात पिछले साल जुलाई की है जब मैंने अपने लिए एक गिटार लिया था। भले मुझे वो चलाना आता नहीं था लेकिन उसको लेके मुझे फ़ोटो शूट करना था, इसलिए मैंने एक गिटार लिया था खुद के लिए। खाली पीली पड़ा था मेरे रूम में, और एक दिन मेरा एक दोस्त, मेरा भाई, मुझे मिलने मेरे रूम पे आए थे। तो उनको गिटार चलाना बहुत अच्छा आता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास तब कोई गिटार नहीं था प्रैक्टिस करने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही मेरा गिटार देखा तो उन्होंने बजाना स्टार्ट किया, एंड आई वॉज शॉक्ड। बहुत ही प्रोफेशनली बजा रहे थे वो। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको बजाना आता है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, ट्रेनिंग लिया था मैंने, इसका बजाना आता है मुझे, बट प्रैक्टिस के लिए नहीं है मेरे पास कोई गिटार अभी। तो मैंने सोचा खाली पीली गिटार मेरे घर पे पड़ा है, कुछ यूज़ नहीं हो रहा, तो मैं वो सोचा कि क्यों ना इनको ही गिफ्ट कर दूँ, इनके काम में आ जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा उनको गिटार बजाते हुए देख के, तो मैंने वो उनको गिफ्ट कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जब कोई भी अपने नॉर्मल शेड्यूल से, नॉर्मल लाइफ से हट के कुछ अलग पैशन फॉलो कर रहा हो, प्रैक्टिस कर रहा हो, तो मुझे अच्छा लगता है मैं उन्हें सपोर्ट करूं। मैं सपोर्ट करता भी हूं। सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं कि बस फाइनेंशियली सपोर्ट करो। अगर कोई देख रहे हो आप कोई अच्छा कर रहा है, कि कुछ हटके कर रहा है नॉर्मल लाइफ से, नॉर्मल जॉब से हटके कुछ कर रहा है, तो अगर आप चाहते हो उसे सपोर्ट करना, तो आप उसको एनकरेज कर सकते हो अपने बातों से। अगर उससे कुछ गलती हो रही है तो पॉजिटिव फीडबैक भी दे सकते हो कि यहाँ यहाँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट करना है, तब जाके ये प्रोडक्ट, ये जो तुम कर रहे हो, ये अच्छा बनेगा। तो हर एक के लाइफ में ऐसे दो प्रकार के लोग होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरे लाइफ में भी हैं। तो मैं ये सब आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको थोड़ा आइडिया आ रहा होगा। हालांकि पॉजिटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं, आई एम फीलिंग लक्की फॉर दैट। हर 10 में से 9 लोग आके मुझे चाहते हैं, जो लोग आके मुझे फीडबैक देते हैं, और 1% एक गैंग है, वो भले आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं, रिलेटिव्स में भी हो सकते हैं, जिनको ये सब हजम नहीं होता कि मैं कुछ हटके कर रहा हूँ, ऐसा कुछ उखाड़ा भी नहीं है मैंने, तो इतना जलन क्यों भाई? सिर्फ उन्हीं के लिए है ये वीडियो जो लोग नेगेटिव सोच रखते हैं। एग्जाम्पल मेरा प्रीवियस वाला वीडियो ले लीजिए, बहुत लोगों ने आके बोला है, यस, अप्रिशिएट किया। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलूंगा जिंदगी में जो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। इवन तो मैं कहीं गलत हूँ यहाँ पे, या फिर कहीं पे भी मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो वो लोग आके स्ट्रेट मेरे मुंह पे बोलते हैं, सीट वेल डन, वेल ट्राइड, बट तुम इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। ये एक तरीका रहता है दूसरों को एनकरेज करने का। और बचा एक 1% जो लोग हैं मेरी ज़िंदगी में, तो वो ना तो आपको फीडबैक देंगे कि कहाँ तुम्हारी गलती हो रही है, कहाँ तुम्हें इम्प्रूवमेंट चाहिए, सीधा आके बोलेंगे ये तो सब करते हैं, ये क्या तूने उखाड़ लिया, वो भी यही करता है, तू बस कॉपी करता है, तेरा खुद का कुछ नहीं है, बंद कर ये सब, भूखा मरेगा अगर इसके पीछे दौड़ा तो, जॉब में ध्यान दे। तो इससे ही आप पता कर सकते हो कि कितना इनसिक्योर फील करते हैं वो लोग। हालांकि मैं अभी कुछ ऐसा बना ही नहीं हूँ। हाँ, एक बात है, मैं ट्राई करता रहूंगा, इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1% के लोग मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। मैं बाकी जो 99% लोग जो मेरे ज़िंदगी में हैं, उनके बातों को मैं फॉलो करूंगा और आगे जाऊंगा। पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग जब आके आपको अप्रिशिएट करेंगे ना, तो आपके अंदर और एक ऊर्जा बढ़ जाती है कि अरे, इतने लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मतलब मैं अगला वीडियो इससे भी पावरफुल बनाऊंगा। देखो, मैं कोई कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया हूँ, जो भी सीखा हूँ ऑनलाइन सीखा हूँ, यूट्यूब से देख देख के सीखा हूँ, मैं खुद ही वीडियो शूट करता हूँ, खुद ही एक्ट करता हूँ, खुद ही एडिट करता हूँ और अपलोड करता हूँ। मुझे किसी ने कोई आगे सिखाया नहीं है। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल इन दिस कैटेगरी। सो हर दिन मैं कुछ ना कुछ नया सीखने की ट्राई करता हूँ और इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। इन द मीन टाइम नेगेटिव सोच रखने वाले लोग आके अगर आपको ऐसे डीमोटिवेट करेंगे, तो मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। हाँ, अगर मैं कोई प्रोफेशनल होता, ट्रेनिंग लेता, लाखों रुपए खर्चा करके ट्रेन होता कहीं किसी यूनिवर्सिटी से, और करता ऐसे काम और कुछ गलतियाँ हो जाती, तो मैं नेगेटिव पॉइंट्स की ले सकता था। बट अभी आपका कोई हक नहीं है, ना आपका कोई मेरे पे योगदान है, ना आपने मुझे कुछ सिखाया है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि ऐसे नेगेटिव कमेंट्स मुझे दो। हालांकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना पड़ा था ना आगे पड़ेगा। अब तो और जोश में मैं काम करूंगा और ऐसे वीडियोस आगे लाना। कितना आपको जलना है ये तो कुछ नहीं है, आगे और बहुत भयंकर तरीके से आप लोग चलने वाले हो। सो वो दिन ना देखो आप, मैं प्रे करता हूँ आप मुझे अनफॉलो करके निकल जाओ। बस इतना ही बोलना था मुझे उन नेगेटिव लोगों को, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यही बताना था मुझे, सोचा एक वीडियो डाल दूँ ताकि मुझे बार बार आके हर वीडियो के बाद एक्सप्लेनेशन ना देना पड़े। तो मैंने सोचा एक ही वीडियो बना देता हूँ और डाल देता हूँ यूट्यूब में। जब कोई नेगेटिव पीपल आगे भी आएंगे मेरी ज़िंदगी में, ये वीडियो उनके मुँह पर मारूंगा। जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा गाइस।
टिल देन टाटा बाय बाय टेक केयर जय हिंद। वंस अगेन फॉर द नेगेटिव पीपल। अच्छा अभी तक आप गए नहीं क्या?